कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन साइरस पूनावाले ने कहा मिक्स डोज ठीक नहीं, आईसीएमआर ने बताया था कारगर। ट्विटर के टॉप मैनेजमेंट में फेरबदल, ट्विटर इंडिया ने एमडी मनीष महेश्वरी को हटाया, नई जिम्मेदारी के साथ अमेरिका भेजे गए। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बड़ी पहल, आधार नंबर को वोटर कार्ड और मतदाता सूची से जोड़ने की तैयारी, विधानसभा चुनावों के बाद केंद्र इस पर फैसला ले सकता है। हिमाचल में फिर लैंडस्लाइड, लाहौल स्पीति में पहाड़ के मालबे से चंद्रभाग नदी का बहाव रुका, पास के गांवों में बाढ़ के हालत बने। सीएम योगी का ऐलान, 19 अगस्त को लखनऊ में होगा खिलाड़ियों का कुंभ, होगी धनवर्षा। लखनऊ की एसीपी श्वेता को मिलेगा गृह मंत्री पदक, 15 अगस्त को यूपी पुलिस के लिए खास दिन, जांच में एक्सीलेंसी के लिए 10 पुलिस वालों को मिलेगा मेडल। टोक्यो के सितारों के लिए 19 को लखनऊ में भव्य समारोह, नीरज चोपड़ा, रवि, मीराबाई समेत ओलंपिक पदक विजेता को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ के थप्पड़ कांड में थप्पड़ खाने वाला कैब ड्राइवर बोला, समझौता नहीं, लड़की को जेल भेजकर रहूंगा। कानपुर में सिख दंगों के 36 साल बाद एसआईटी ने खोजे 54 आरोपी, किसी की उम्र 70 तो कोई बीमार पड़ा। दिल्ली हाई अलर्ट पर, 15 अगस्त को खालिस्तानी समर्थक फैला सकते हैं गड़बड़ी, खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को दिए इनपुट। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा का सफर अब सिर्फ 12 घंटे में होगा पूरा, रेलवे ने तैयार किया मेगा प्लान। अब बिग लिटिल मर्डर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नेटफ्लिक्स पर होने वाली थी रिलीज। दिल्ली पुलिस 15 अगस्त को लेकर चौकन्नी, 10 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, कड़ी निगरानी के दिए आदेश। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम, फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए दिल्ली के कई रास्ते बंद। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए दोनों डोज जरूरी, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं तो 14 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन। महाराष्ट्र में पेरेंट्स को बड़ी राहत, उद्धव सरकार ने स्कूल की फीस 15% कम करने का आदेश दिया। वसूली मामले में परमवीर सिंह की बड़ी मुसीबत, जारी किया गया लुकआउट नोटिस। नए आईटी एक्ट पर मुंबई हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने पूछा 2009 में लागू हुआ आईटी नियम को बदले बिना 2021 में नए कानून को लागू करने की क्या जरूरत थी। पार्किंग की समस्या पर सख्त हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट, अदालत ने कहा एक फ्लैट वाले को क्यों दी जाती है 4 से 5 गाड़ी खरीदने की मंजूरी, सरकार बनाए कोई सख्त नियम। मुंबई में नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग, तस्करों को पकड़ने गए 5 ऑफिसर घायल, एक गंभीर, 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ विदेशी स्मगलर गिरफ्तार। अब कारों के कबाड़ का भी केंद्र बनने का गुजरात, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सालाना 3 लाख वाहनों का रिसाइकल होगा, 6 कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया। लंबे इंतजार के बाद सौराष्ट्र में बरसात का दूसरा राउंड शुरू, कई जिलों में हो रही है बारिश, किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच गुजरात के 11 बड़े गरबा आयोजकों ने कहा इस साल भी गरबा नहीं खिलाएंगे। पोरबंदर की एक सीमेंट फैक्ट्री में 45 फीट ऊंची चिमनी की मरम्मत के दौरान हादसा, मालबे में 6 मजदूर दबे, 3 को निकाला। नौसारी की 7 वर्ष से बच्ची ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 64 वॉक ओवर कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। कोरोना में रेलवे आए, रेलवे ने पिछले साल की पहली तिमाही से इस साल के पहले 3 महीने में माल भाड़े से 27% ज्यादा कमाया।